हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मॉडिफिकेशन। गाइस, आज हम आपके लिए न्यू वीडियो लेके आए हैं अलॉय लाइट की। आज हम DRLs इंस्टॉल करेंगे टायर्स के अंदर, और जो अलॉय की जो लुक है वो अट्रैक्ट करेगा रात के टाइम। और बहुत ही बढ़िया लाइट जो है मैंने चूज़ की थी, इसमें DRLs लगते हैं, ऑडी के DRLs होते हैं, जो मैंने वर्ल्ड कार एसेसरीज .com से ऑर्डर किए थे। ये देखिए, ये वाली जो लाइट है वो मैंने ऑर्डर की थी। इसमें दो स्ट्रिप आती है एक बॉक्स में, तो आपके टोटल दो सेट लगते हैं। ये एक मैंने वायर का बंडल भी परचेज़ करा था अपने मार्केट से ही, बिकॉज़ वायर की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैंने इसलिए बंडल ही परचेज़ कर लिए थे। ये दो स्ट्रिप्स आती हैं, 5 मीटर की होती है आई थिंक। इसमें तीन वायर होती है, ब्लैक, येलो और रेड। एक रेड जो वायर होती है उस पर वाइट जलती है, और जो येलो वायर होती है वो इंडिकेटर की वायर होती है, और एक जो ब्लैक होती है वो नेगेटिव होती है, बाकी दो पॉजिटिव होती है। तो चलिए अब हम टायर खोलते हैं और इसको कैलिपर्स पे फिट करते हैं। गाइस देखिए, ये टायर ओपन हो चुका है। इसके बाद अब हम DRLs इंस्टॉल करेंगे, और जो वायर का कनेक्शन है वो हम अंदर अंदर से देंगे, जो रात के टाइम दिन के टाइम भी दिखे ना वायर, और अच्छे से सेट कर देंगे। देखिए, ये कैलिपर पे यहाँ पे लगती है लाइट, और ये आप टाई बेल्ट से भी इसको टाई कर सकते हो लाइट को, और आप साथ में एल्फी का यूज़ कर सकते हो, फेविक्विक का, जिससे आपकी जो लाइट है वो उतरेगी नहीं। और मैंने टाई बेल्ट और फेविक्विक दोनों का यूज़ करा था, तो आप भी देख के आराम से उसे पेस्ट कर सकते हो। ये देखिए, ये मैंने फिट कर दिए, टाई बेल्ट से भी टाई कर दिया और एल्फी से भी लगा दिया उसको। ये जो नीचे से हट रही है ये मैं एल्फी से इसे बाद में मैंने चिपका दी थी। एंड जो वायर का कनेक्शन है वो हम यहाँ होल में से देंगे अंदर। ये देखिए, मैंने जो वायर है वो लंबी कर ली है, जिससे जो है मेरा बोनट के अंदर वायर चली जाएगी। ये मैं रेड वायर, जो इसमें वायर में मेरे दो कलर हैं, एक ब्लैक और एक रेड, जो ब्लैक और रेड है वो मैं एज इट इज़ जॉइंट कर दूंगा उस कलर से। एंड जो बाकी की मेरी एक बच जाएगी येलो, तो येलो जो है वो मैं उसमें एक्सटर्नल एक अलग कलर की वायर लगाऊंगा, पिंक कलर की, जो वो मेरी इंडिकेटर से अटैच हो जाएगी। नेगेटिव करंट मैं बॉडी से भी दे सकता था, पर मैंने नेगेटिव करंट आगे बोनट में से ही अर्थ दे दिए। तो ये मैंने जो वायर है वो लंबी कर ली है, पॉजिटिव और नेगेटिव जॉइंट कर लिए। बाकी इसमें हम एक्सटर्नल एक वायर लगाएंगे पिंक कलर की, जो इंडिकेटर की वायर होगी, जो हमें पता चल जाए कि वो जो इंडिकेटर की वायर है, इसलिए मैंने अलग कलर की एक वायर लगाई है, जो आप देख सकते हो अभी मैं लगाऊंगा। ये देखिए, ये मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। एक जो वायर है वो पार्किंग से अटैच होगी रेड वाली, और जो ब्लैक वायर है वो मैंने अर्थ, ये ब्लैक वायर जो है ये मैंने अर्थ दे दी, यहाँ से नेगेटिव करंट दे दिया। बाकी मेरी बच गई एक वायर इंडिकेटर की। इसके जो कनेक्शन है वो बहुत ईजी है, आप आराम से इसे कर सकते हो। तीन ही वायर होती है, नेगेटिव और दो पॉजिटिव। एक पॉजिटिव पार्किंग के अंदर लगा सकते हो आप, और एक पॉजिटिव, ये मैंने पॉजिटिव जो लगाई है ये पार्किंग में लगाई है, और जो ये मैंने दूसरी जो वायर लगाई है पिंक, ये नेगेटिव जो है ये मैंने अर्थ दी है, और जो पिंक कलर की वायर है वो इंडिकेटर से अटैच की है। गाइस देखिए, कनेक्शन डन हो चुके हैं, और अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये वाइट जल रही है, एंड ये देखिए ये इंडिकेटर। तो DRLs की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, ये इंडिकेटर जल रहे हैं। तो ये अब सेकंड टायर हम पीछे वाला बैक टायर करते हैं। तो मैं आपको उस साइड का नहीं दिखाऊंगा, आपको मैं एक ही साइड का ही दिखाऊंगा, बिकॉज़ फिर वीडियो लंबी हो जाती है बहुत ज़्यादा। मैं आपको बैक के कनेक्शंस भी दिखा दूंगा, फिर हम सेम उसी तरह दूसरी साइड के भी कर देंगे। ये बैक टायर ओपन कर लिया है, अब इसको हम नॉर्मली पेस्ट करेंगे फेविक्विक से। और जो ये मैंने लाइट लगा रखी है इसको मैं हटा दूंगा अब, बिकॉज़ ज़्यादा लाइटें अच्छी नहीं लगती, और ये इंडिकेटर के थ्रू जलती है, तो मैं इंडिकेटर का कनेक्शन यहीं से दे दूंगा, और नेगेटिव करंट भी यहीं से दे दूंगा। तो मेरे को पूरी वायरिंग लंबी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक वायर जो है वो मेरे को अपनी टेल लाइट में लेके जानी होगी, जो वाइट
लाइट के लिए करनी पड़ेगी। बाकी इंडिकेटर की वायर जो है वो मैं यहीं से जॉइंट कर दूंगा। देखिए ये एक वायर जो है मैं पार्किंग से अटैच कर दूंगा बैक लाइट की, और जो इंडिकेटर की वायर है वो मैं नीचे से ही जॉइंट कर दूंगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव। गाइस देखिए कनेक्शन डन हो चुके हैं। ये जो मैंने दो वायर है ये मैंने अंदर से ही अटैच कर दिए हैं, एंड जो एक सिंगल वायर थी देखिए ये इंडिकेटर पे वर्क कर रही है, और ये वाइट DRL है और बहुत ही बढ़िया लग रही है। बाकी हम फिटिंग करके और लास्ट में सिनेमैटिक एंजॉय करते हैं। गाइस ये है फाइनल शॉट और बहुत बढ़िया लग रही है लाइट। आप भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। With frogs, cold night and the winter hot cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end. Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nosebleed. High on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find me. Still trying to figure out the mind piece. Looking for the love inside me. Inside me.